समाज ने और रिश्तेदारों ने कितना साथ दिया? कोई नहीं, रिश्तेदार छोड़ गया हमें। यार जितना प्यार मेरे को मिला इतना तो मेरे को जिंदगी में माँ बाप ने नहीं दिया। बहुत प्यार मिला है, ऐसा ना कभी मिला है ना मैंने देखा है। जी क्योंकि छोटे छोटे दो बच्चे छोड़ के आए हैं, एक माँ लिए कितना औखा हो सकता है, आप सोच सकते हैं। तो मैं घर में ये सोच रहा था ये कहीं चली जाए मेरे को छोड़कर, तो बच्चों को बाहर निकाल कर मैं खुदकशी कर लूँ। तो जब कोई नहीं होता था घर में तो मेरे को एक किलोमीटर पे अपने पीठ पर उठा कर ले जाती थी। ये आपको एक किलोमीटर पीठ पर उठा कर ले जाती है जी। इन्हों कनेड़ी चक के मोढ़े से चक के पिट से पहाड़ से लेके जा रहे, कोई मजाक नहीं हो रहा। जब हमारे पास कुछ नहीं होता था फिर ये आग जलाती थी तो उसके ऊपर रख देती थी एक पतीला, उसमें चीनी डाल देती थी और पानी, तो बच्चों को बोलती थी तैयार होगा तैयार होगा। तो फिर हमको क्या, जब तक हम सोचे थे बच्चे सो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ये चीनी पानी पीकर तो ये बीमार हो जाएंगे। फिर सब भाई भी छोड़ के बहन भी साथ छोड़ गए, तो फिर इसने मेरे को कंधा दे दिया। बस जिंदगी में दो ही इंसान मिला मेरे को, एक मेरा बाप और एक मेरी बहन। अगर मेरा एक पैसा भी नहीं खर्च हुआ, अच्छा कोई नहीं, फ्री अवकाश, सिर्फ आने का और जाने का, आने का और जाने का। अच्छे टाइम तो हर कोई कहता सी नाल, है ना, बुरे टाइम चलता पता। सो ए बहन जी अपने हस्बैंड का साथ दे रहे हैं, रिश्तियां की मजबूती का एहसास दिंदा, ये सानू भी ताकत बख्श दे। कहाँ से आए हो? कश्मीर। कश्मीर से? हाँ, कितने दिन हो गए आपको? मेरे को दो महीने हो गए बराबर। बहन जी पट्टियाँ हो रही हैं, ड्रेसिंग हो रही है? ये तो कह रहे बंद हो गई है, पीछे वाले दो जख्म बंद हो गई। बंद हो गए? हाँ जी। अब जाने का प्लान है 15 तारीख? जाने का प्लान है 15 तारीख को, प्लान है जाने का। अच्छा जी। तो आप मुझे बता रहे थे अपनी कहानी कि कैसे आप व्हीलचेयर पे मांगने तक गए, है ना, कितना मुश्किल था। मांगने गए व्हीलचेयर पे, हाँ। मस्जिद के आगे बैठते थे हम दिन को दोनों मियां बीवी। अच्छा। तो झोली फैला कर हम मांगते थे। अच्छा। मांग कर हमने अपना गुजारा चलाया। अच्छा। इधर उधर से, और गाँव वालों ने हमारी बहुत मदद की। अच्छा। हमारे गांव वालों ने, कश्मीरी लोग हैं, उन्हें बहुत। समाज ने और रिश्तेदारों ने कितना साथ दिया? कोई नहीं, रिश्तेदार छोड़ गया हमें। अच्छा। हाँ, माँ बाप ने 6 महीने हमें, 8 महीने माँ बाप ने हमें देखा, 8 महीने के बाद अलग कर दिया। दोस्तों ये ना वीडियोस आगे पहुँचाने थोड़े तो बहुत जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं? क्योंकि दोस्त वर्ग बहुत सारे पेशेंट अपने आप से हौसला हार जाते, उन्होंने लगता है कि सिर्फ साढ़े अकले ना हो रहे हैं, ऐदा नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट जिन्हें रीढ़ की हड्डी टुट जाती है, देसी भाषा से असं इस तरह जानते हैं, हज़ारा नहीं लखा की तादाद से पे हैं, उन्होंने सिर्फ यही लग रहा है कि असी कल्ले ऐदा ना दे। वो कल्ले नहीं है, ये समाजिक हालात है, आर्थिक हालात सब दे खराब हो जाते हैं, सब दे तबाह हो जाते हैं, ये सट ही इस तरह की है। सर्व ह्यूमैनिटी सर्व गॉड केयर सेंटर मदनहेड़ी जिला मोहाली चंडीगढ़ तो सिर्फ 10-12 किलोमीटर दूर है, इतने बैठे हैं, इतने टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा चलती है। भाई साहब इतना टाइम हो गया, थोड़े पैसे कितने लगे हैं? मेरे पैसे मैंने मांग के पैसे कम से कम मैंने इधर नहीं, इधर मेरा एक पैसा भी नहीं खर्च हुआ। अच्छा। कोई नहीं, फ्री अवकाश, मुझे आने का और जाने का, आने का और जाने का। अच्छा। आने का भी मेरे को किराया नहीं लगा, क्योंकि मेरे को दिलदार साहब ने गाड़ी अपनी सेवा में उन्होंने मेरे को गाड़ी दी। कोई नहीं, रास्ते में खर्चा भी दिया मेरे को कि आप रास्ते में खाना पीना। हाँ। खाना सब कुछ मेरे को दिलदार ने दिया, मैं तो शुक्रगुजार हूँ उनका कि जिनने मेरे को रास्ता दिखाया। फिर यहाँ, हाँ। यहाँ जितना प्यार मेरे को मिला इतना तो मेरे को ज़िंदगी में माँ बाप ने नहीं दिया, जितना प्यार इधर मिलता है मेरे को कहीं मिलेगा, इतना कहीं नहीं मिलेगा। संगत जी ये सारी सेवा ना इंसानियत को आगे रखते हुए मुख रखते हुए इकट्ठे होकर चलती है ना, सानू तुहाडे साथ दी भी लोड़ है। तुसीं ऑनलाइन सेवा जरूर निभाया करो, वीडियोज़ तुहानू फेसबुक तो लैके इंस्टाग्राम और वट्सएप से मिल रहे हैं, प्लीज़ इन्हों शेयर जरूर करया करो, है ना। बहुत सारे पेशेंट्स नू उम्मीदा ने, कमरे के बंद ने, चार दीवारी और पखा देख के सालों साल निकल रहे हैं, उन्होंने तुहाडे वीडियो शेयर करके पहुँचाने बहुत जरूरी हैं। वो 20 रुपया है, वो कल इस तरीके नाल देख के आया, उन्होंने 4-5 दिन होए ने, वो इस तरीके नाल आया, तुहाडे पहुँचाए हुए वीडियोज़ अगे पहुँचते हैं तो पेशेंट साढ़े को पहुँच पाते हैं। सरीना भैन जी जाने वाले हो बहुत जल्दी जी। हाँ? हाँ। अच्छा, और
क्या यादें लेके जाओगे यहाँ से? बहुत कुछ। किस तरह की? मतलब बहुत प्यार मिला इधर, ऐसा ना कभी मिला है ना मैंने देखा है कभी। जी क्योंकि कोई बात नहीं, यहाँ तो प्यार बहुत मिला है, बहुत प्यार और मेन बात अपना ठीक होना चाहिए बस, हो गया। बहुत प्यार मिला मुझे, बहुत बहुत कोई बात नहीं। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੁਰੀ ਯਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। चलो शुक्र है, हंसी तो सही, इसलिए तो मुझे अपने आपका दुख आ रहा है कि मैं शुक्र है आप लोगों का, शुक्र गुजार हूँ मैं जो मुझे इतना प्यार। ऊपर वाले का शुक्र गुजार है जी, है ना, पहले तो ऊपर वाले के, बस उसके बाद आप लोग, उसी के बच्चे हैं सारे, है ना जी। उसी के सारे बच्चे ना, खुशी के आंसू है क्योंकि ऐसा ना कभी मिल ही नहीं सकता। मैं तो खुश नसीब हूँ, एक तो हमारा इलाज हुआ, एक तो फ्री में सारा कुछ, ऊपर से इतना प्यार, ऐसा सोचा नहीं था मैंने कश्मीर। संगत जी, ये तुहाडी बख्शी असीसा ने, है ना, उस अकाल पुरख की, उस राम की, उस अल्लाह की संगत है इकट्ठी होकर, जो इकट्ठे होकर सेवा चलाती है, ये बहुत जरूरी सेवावान ने। तुसी साडे नाल जरूर जुड़ो, है ना, जिला मोहाली दे विच सेवा चलदी ने, साडे नाल जरूर जुड़ो, है ना। भैन जी हम जाओगे तो क्या क्या यादें लेके जाओगे? जब आपको गाँव में वहाँ बहुत सारी बहनें मिलेंगी, बहुत सारे रिश्तेदार और भाई मिलेंगे, क्या बताओगे उनको? यही बताएंगे कि पागल से लोग हैं। बहुत प्यार मिला इधर, सच में बहुत प्यार मिला जी। ये दीदी है, ये भी तो अपनी बहनों की तरह देखती है, प्यार देती है अच्छे से ना, मैंने कभी मेरे साथ गुस्से में कभी बात भी नहीं की है, अच्छे से प्यार से रखा है मुझे। हम लोग सख्त भी हैं, जब रूल टूटते हैं हम सख्त भी हो जाते हैं, आपको पता, आपने देखा है। मुझे पता है जब कोई गलती करेगा तो उसका फिर वैसा ही होगा जी, पर मुझे ना बहुत प्यार मिला, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने टाइम खाना खिलाया सबको, सेवा में सहयोग किया, बहुत शुक्रिया आपका, है ना, आपने खाना खिलाया, आपने और सेवाओं में सहयोग किया हमारे साथ, कुछ भी नहीं खिलाया, बहुत शुक्रिया। मैंने की नहीं किसी की सेवा, मैं क्या कर सकती हूं? नहीं, आपने बहुत सहयोग किया जी, आपने बहुत सहयोग, मुझे पता है, हम देखते रहते हैं, सब बहने आपके बारे में बात करती है, हम करते रहते हैं, हमें पता है। मुझे और टाइम मिलेगा ना, मैं फिर से आके सेवा करूंगी। पक्का हो गए? हाँ। आप हस्बैंड के बिना भी आ जाओगे? ट्रेन पकड़ना कभी जिंदगी में सेवा का, दिसंबर में मैं जरूर आऊंगी जी, कभी भी आप आ सकते हैं। बहुत कुछ बहनें हैं वो कभी कभी बीच में 10 दिन कटा जाती हैं सेवा के, जब हमारे पास बहनें कम होती हैं खाना बनाने की सेवा के सहयोग के लिए कुछ होते हैं, फिर हम आपके ऐसी बहनों को फ़ोन कर देते हैं कि प्लीज़ हमारे पास 10-20 दिन के लिए सेवा में आ जाओगे, फिर वो आ जाती हैं। थोड़ी दूर हूँ, मैं समझता हूँ, दूर आप काफ़ी रहती है, मैं इनको बोल रही थी कि हम इधर ही रहते हैं अगर बच्चे छोटे ना होते, बच्चे छोटे अब बच्चों का ना, बच्चों को दर्जगाह में डाल के फिर मैं सर्दियों में आऊँगी 6 महीने। जी जी जी, ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप अजी क्या यादें लेके जाओगे? मैं तो बहुत सारी यादें लेकर जा रहा हूँ, जितना दुख मेरे को मिला था जिंदगी में वो मैं भूल गया, इंसानियत से भरोसा उठ गया था, पूरा भरोसा उठ गया था। जब मेरे को उधर से भेजा, मेरे को ये भरोसा नहीं था, मैंने सोचा नहीं कुछ नहीं है, जब भरोसा ही उठ गया, अपने में से भरोसा उठ गया तो गैरों में क्या उम्मीद रखनी थी। अब जिंदगी में लगता है कि इंसानियत जिंदा है। पहले तो मैं घर में ये सोच रहा था ये कहीं चली जाए मेरे को छोड़कर, तो बच्चों को बाहर निकाल के मैं खुदकशी कर लूँ, कई बार मैंने कोशिश किया खुदकशी करने की। यहाँ मैं पहुँचा, मेरे को इतना मन कर रहा कि मैं आगे आगे अब जाने की कोशिश करूँ, अब मरने का दिल नहीं मेरे को करता, मेरे को जीने का दिल करता। संगत जी ये ना आस देव कितनी बड़ी गल कह रही है, कह रहे हैं कि पहला सुसाइड कर रहे थे कई बार और हुन जिंदा रहन की उम्मीद जाग गई है, आस जाग गई है, हुन सुसाइड करने का दिल नहीं करता, है ना, ये तुहाडे सहयोग के नाल हो पाता है, ये बहुत जरूरी सहयोग है। हाँ जी, हाँ कैसा टाइम था पहला, कुछ पहला कैसा साहब जी, एक गल बड़े भाई साहब मेनू बहुत अच्छी लगी भाई, थोड़ी आवाज नहीं आनी। अच्छा हाँ, मैं कहना थोड़े को, आपको लगता है कि जो आप जब भैन जी पहले आप नहीं आए थे तो आपको लगता होगा सबसे बड़ा दुख जिंदगी में आप ही को है? हाँ, अब लगता है कि नहीं, बहुत दुख है, तभी तो इसलिए सोच के मेरा मन थोड़ा हो गया, क्योंकि मेरी जिंदगी में ना बहुत दुख आए, बहुत दुख देखे मैंने जी,
अब बर्दाश्त नहीं होता है, फिर भी मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ क्योंकि बच्चे पीछे छोटे छोटे, इनकी भी तो देखभाल करने पहले ये टाइम निकल जाएगा मेरे, यकीन करो। हमने बहुत लोगों का देखा है, किसी को साल लगता है, किसी को दो साल लगता है, किसी को चार साल, ये टाइम निकल जाता है। मायूस मत होना, हम अपना काम ईमानदारी के साथ करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे बस, ठीक है। ईमानदारी के साथ मैं जी ऐसे टाइम भी देखा ना, अभी तक तो इंशाल्लाह ठीक ही चल रहा है, बहुत अच्छा। तो आगे भी मेरी उम्मीद यही है कि मैं अपना काम ईमानदारी के साथ कर सकूं। देखो मैं तुम सच्ची हंस रहे हैं, ए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, न्यूरोलॉजिकल इशूज और स्किजोफ्रेनिया, ये तीन चीज़ें बीमारियां इदा दी हैं जिस दे विच लाइफ पार्टनर साथ छड़ दिंदा है। ये प्रूवन फैक्ट है, ये नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया, ये ऑल ओवर वर्ल्ड प्रूवन फैक्ट है। बट अच्छा लगता कि इत्थे रिश्ते टुटे नहीं है, जानवरों और इंसान दे विच सब तो वड्डा फर्क है, समझो। अच्छे टाइम तो हर कोई कहता सी नाल है ना, बुरे टाइम चलता पता। ये भैन जी अपने हसबेंड का साथ दे रहे हैं, रिश्तियां दी मजबूती का एहसास दिंदा है, ये सानू भी ताकत बख्शते हैं, ये सानू भी पॉजिटिविटी दिंदे हैं कि हाँ कि रिश्ते कायम होंदे हैं, इदा दी गल नहीं है। सो बहुत अच्छी गल है भैन जी, सानू भी सिखाण लई है ना, सानू भी सिखाण सीखण नू मौका मिले। मेरी पंजाबी समझ आती है? हाँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ तक पहुँचा ना, यहाँ तक पहुँचा, अगर मैं सोचो कि ये मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं कब का सड़ सड़ के मर गया होता। बिल्कुल बिल्कुल, इनका बहुत सही। यहाँ तक मेरे को इधर तक पहुँचाया तो इसका मैं शुक्र गुजार हूँ कि इसने मेरे को इधर तक पहुँचाया। मैं तो बहुत वेमेन एम्पावरमेंट दिया गल्लां कर दिया सौखी हैं बैठ के, है ना। मोटिवेशनल वीडियोस देखने सौखे ने, मोटिवेशनल स्पीकर अजकल बहुत बने हुए हैं, दौर इस तरह का है। ये रियल एग्जाम्पल ने मोटिवेशन के, ये भैना रियल एग्जाम्पल है। इन्नी हार्ड जिंदगी चो निकल के आए ने, मस्जिद अगे अपने बच्चों ना बैठ के मंग रहे सीगे अपने पति ले, अपने बच्चों ले। किन्ना औखा होएगा अखा बंद करके इमेजिन करके उस गहराइयां नू फील करन दी कोशिश करके देखो एक बारी। उत्थों लैके कितों पे जी, जिला केड़ा टूटा? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट दे विच ना बहुत अगे है, वो पहाड़ी एरिया सारा, बर्फ पैंदी है उत्थे, इकनोमिक ऑपरचुनिटीज इन्नी ज़्यादा नहीं होंदियां। उन्हां हालातों तो जूझते हुए पंजाब च आके अपने दो बच्चों नू पिछे छड़ के इस सारे हालातों नाल लड़के आए ने। इस तो वड्डा मोटिवेशन हो सकता कोई? इस तो वड्डा मोटिवेशन हो सकता है, अपने आप नू सोच के देखो। तुहानू वो मोटिवेशनल स्पीकरां नू सुनना जरूरी है, वो तो तुहानू मोटिवेशन सुना सुना के झूठे एग्जाम्पल दे के, किताबा पढ़ पढ़ के तुहानू एग्जाम्पल दे के तालियां बटोर के लखा करोड़ा रुपए बटोर रहे हैं यूट्यूब ते। कोई माड़ी गल नहीं है, उन्हां दा प्रोफेशन है, उन्हां दा धंधा है, कोई माड़ी गल नहीं है। तुहानू जबरदस्ती सिर ते गन रख के नहीं कर रहे, लेकिन आ भैणा रियल एग्जाम्पल ने, तुहानू उन्हां एग्जाम्पल सुनने की लोड़ है कि इन्हां दे एग्जाम्पल सुनने की लोड़ है? तुसीं आप सोच के देखो, ये रियल टाइम एग्जाम्पल ने। फिल्मी गल्लां किताबी गल्लां करनियां बड़ी ईजी हैं स्टेज पर चढ़ के, ये रियल टाइम एग्जाम्पल ने। इत्थे भरे पए ने एग्जाम्पल इदां दे जिन्हां ने जिंदगियां नू हराया, मौत नू हराया, जिंदगियां नू जित जी के अगे वधे ने। ये रियल टाइम एग्जाम्पल ने मोटिवेशन दे, इन्हां तो सानू बल मिलता, सानू सिख मिलती है। जल्दी जाने वाले हो? जाने वाले, तैयारी है ना? जाने का मन तो मैं वो भी बात कर रहा हूँ ना विजय, कि मेरे को ना समझता पहले दवाई के लिए ले जाना पड़ता था ना, तो वहाँ अपने अपने काम पर चले जाते, कोई तो मेरे को उठा कर ले जाते थे, उनका शुक्र गुजार हूँ मैं। तो जब कोई नहीं होता था घर में तो मेरे को एक किलोमीटर पर अपनी पीठ पर उठा कर ले जाती थी। ये आपको एक किलोमीटर पीठ पर उठा कर ले जाती है मेरे को, और उधर चढ़ाई। आपका वजन कितना है? मेरा वजन 50 केजी के करीब है। आपका? अब तो नहीं होगा शायद, अब भारी कर दिया। नहीं नहीं, अब तो मतलब आज तो वजन ज्यादा ही हो गया, हल्का हो गया। अच्छा, आपका वजन कितना है लगभग? मेरे लगता है 45-50 के करीब, इतना ही होगा, 50 इतना ही होगा, 50। जब उधर चढ़ाई है चढ़नी, इस तरह चढ़ना है चढ़ाई हमारे इस तरह। आपको पीठ पे उठा के ये चढ़ाई चढ़ती थी पहाड़ी पे? लेती दवाई के लिए जब कोई मिलता नहीं था रास्ते में, टाइम आ जाते गैर टाइम 1-1.5 बजे, तो फिर ये पीठ पर उठा कर मेरे को लाती थी। सलाम है पैन जी, सलाम। फिर जब मेरे को ना पीठ पर उठा कर ले जाती थी दवाई के लिए, साथ में उठा कर अपनी गोद में अंदर, मेरे व्हील चेयर टूट गई तो मेरे को गोद में उठा कर बाहर लेकर बाहर का व्यूज दिखाती थी कि देख कैसा है, अंदर से गोद में रखती थी आधे आधे घंटे 15-15 मिनट लेकर बैठती थी मेरे को बाहर। थोड़ा बंदे का भी मन हो जाए, मेरे को अगर यहाँ तक पहुँचा मैं तो इसकी
बदौलत पहुंचा मैं, नहीं तो मैं मर गया होता एक डेढ़ साल में। बड़े ही मतलब बहुत जी, हमारे से कभी भी मदद चाहिए हो ना, हमारे से संस्था के तौर पे, मुझसे पर्सनल अपने भाई के तौर पे मुझे फ़ोन कर लेना, मेरा नंबर है। कभी भी ज़िंदगी में इसके अलावा भी किसी भी तरह की मुसीबत पड़ती है, ठीक है? पता है भैया, हमने कभी आप सोच लेना, पंजाब में आपका एक भाई है, उसको मैंने मदद के लिए फ़ोन करना, ठीक है? कर लेना, कभी शर्माना नहीं है, हक के साथ फ़ोन कर लेना, ठीक है? मैं आप जब बात कोई बोलता हूँ ना, मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, मैं हवा में कभी बात नहीं करता, मैं बहुत ज़िम्मेवारी के साथ बात करता हूँ, ठीक है? तो आप मुझे फ़ोन कर लेना कि पंजाब में आपका एक भाई बैठा है, मुझे मेरा पर्सनल नंबर आपके पास है, ठीक है? मुझे फ़ोन कर लेना। मेरा कोई भाई पंजाब में, कभी कभी ना हम चीनी डालते थे पानी में, तो बच्चे बोलते थे इसको के खाना दे दे, चावल बना कर दे दे, चीनी पानी में घोलते थे। तो जब हमारे पास कुछ नहीं होता था, फिर ये आग जलाती थी तो उसके ऊपर रख देती थी एक पतीला, उसमें चीनी डाल देती थी और पानी, तो बच्चों को बोलते थे तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है। तो फिर हम वो क्या, जब तक हम सोचते थे बच्चे सो जाएं अगर तो अच्छा रहेगा, ये चीनी की पानी पी कर तो ये बीमार हो जाएंगे। फिर कभी कभी हम उसको चीनी डाल के पानी पिलाते थे तो रात को सो जाते थे। फिर तो हम शुक्र गुजार हैं जावेद सर का, श्रीनगर में जावेद सर, जावेद अहमद टाक, हाँ टाक, उसका हम इतना शुक्र गुजार, शानदार बंदा है। 2020 में उसको भारत रत्न भी मिला, तो पद्म विभूषण मिला, बहुत शानदार इंसान है वो। तो जावेद सर का मैं इतना शुक्रगुजार हूँ कि मैंने उसको एक फ़ोन किया, किसी ने मेरे को लम्बत दिया, मैंने एक फ़ोन किया तो उसने मेरे को एक साल का राशन दिया। मैं रोक के बोलूँगा, ये वीडियोस शेयर करने हैं, तुसी करने हैं, वध तो वध करने हैं, तोड़ा बहुत ज़रूरी फ़र्ज है। और दिलदार सर को हम फ़ोन करते थे कभी कभी, पनास नंबर उसकी पर फ़ोन करते थे, वो भी 2,000, 4,000, 5,000 का हमें राशन देते रहते थे। मैं तो उनका शुक्र गुजार। आपको पता वो पैसे कैसे इकट्ठे करते हैं? कोई पता नहीं मुझे, मुझे पता जी, मैंने को वो जगह जगह भीख मांगते हैं, तो हम भी भिखारी हैं, हमें भी इकट्ठे करने होते हैं। अभी ये 40,000 रुपये का सामान बाहर लेके आया हूँ, ये आपके लिए व्हीलचेयर की भीख इकट्ठी करके लाया, ये ऐसे ही चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी, ये ऐसे ही चलता है, इकट्ठे मिलकर ये समय काट लेंगे। ये पाजी हमारा फर्ज बनता है, ये इंसान होने का, समाज में वापस देने का हमारा फर्ज है। लोग पैसे के पीछे भाग भाग के भूल चुके हैं, लोग भूल चुके हैं अपना सामाजिक फर्ज, रिश्ते भूल गए कि हमारा कोई नाता रिश्ता है किसी से, क्या पर पैसे के पीछे सब भूल गए, यहाँ तक कि अपने माँ बाप तक भूल गए कि मतलब अपने औलाद। आपके माँ बाप का क्या रवैया रहा जब ये सारा कुछ होता था? मेरे माँ बाप का तो वो बहुत लंबी कहानी है भैया, वो मैं सुना नहीं सकती वीडियो पे, वो मैं अपनी जगह सुनाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, कभी मुझसे बहुत दुखी कहानी है, मेरे से सुनाई नहीं जाएगी। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे माँ बाप, इसके माँ बाप हमारा साथ छोड़ गए थे। अच्छा बहन जी, आपके भाइयों ने, रिश्तेदार ने, चाचे मामों ने ये नहीं कहा कि इसको इसको फेंक दे, छोड़ दे तो खत्म हो गया? कहा नहीं किसी ने? तो कहा, बहुत लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने कहा, फिर हिम्मत टूटी नहीं? घर में खाना नहीं था, बच्चे थे, बच्चों के लिए भी खाना नहीं था, मतलब हिम्मत टूटने पे जब आती थी तब मैं अपने आप को बोलती थी कि नहीं ऐसा नहीं करना है, अपने आप को हिम्मत दे और आगे बढ़। तो इंशाल्लाह ऊपर वाले ने साथ दिया, मैं यहाँ तक पहुँच गई। 4 साल हो गए इनको चोट आए हुए, 4 साल से मैं अकेली हूँ इनके साथ। 4 साल, कोई 1 साल नहीं, कोई 4 महीने नहीं, कोई 4 हफ्ते नहीं, 4 घंटे नहीं, 4 साल की गल कर रहे हैं। सोच के देखियो, शब्दा की गहराई तां फील कर पाऊंगे, एक बारी सोच के देखो, अखा बंद करके ये भैन जी इन्हां नूं कनेड़ी चक के, मोढ़े ते चक के, पिट ते पहाड़ ते लेके जा रहे हैं, कोई मजाक नहीं हो रहा। देखिए पहले मेरे को साथ शुरू में 2 ही आदमी ने उठाया मेरे को। पहले जब शुरू में चोट लग गई तो इसको कोई पता नहीं था, तो मेरा पिताजी ने कंधा दे लिया, तो 8-9 महीने निभा दिए, तो फिर सब छोड़ गए। तो फिर वो तो बूढ़ा ही है बेचारा, वो तो उतना कर नहीं सकता कुछ, तो फिर सब भाई भी छोड़ के, बहन भी साथ छोड़ गए।
तो फिर इसने मेरे को कंधा दे लिया। बस जिंदगी में दो ही इंसान मिला मेरे को, एक मेरा बाप और एक मेरी बीवी, बस इनके सिवा कोई नहीं मिला। तो एक ऊपर वाले का साथ था मेरे साथ, और सब छोड़ गए थे। और कुछ ऐसे आदमी भी मुझे मिले कि वो उनने मेरे को उठाने का पैसे मांगे, मैं नाम नहीं बोल सकता हूँ, पैसे लिए मेरे से उनने उठाने का। एक किलोमीटर पे लेना था, आधा किलोमीटर पे लेना था, उठा कर तो पैसे लिया 200-300, और रात के लिए सब्जी भी मंगवाते थे। ऐसे लोग भी मिले, बस दो ही आदमी जिंदगी में मिले रात के लिए सब्जी देके जाओ। हाँ, दो ही आदमी मुझे जिंदगी में मिला, एक मेरा बाप और एक मेरी बीवी। बस मेरे बाप ने और मेरी बीवी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, ये मेरे साथ रहे। बीच में बाप बूढ़ा था तो उसको हार्ट की बीमारी है, वो नहीं कर सका कोशिश, तो फिर बीवी ने मेरा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा, और तो सब छोड़ गए मेरे साथ। दो ही आदमी जिंदगी में मेरे को मिल गया। अगर मेरा बाप ना होता उस टाइम तो मैंने बचना नहीं था क्या? फिर बीच में बीवी का साथ अगर मेरे साथ ना होता तो मैं मर गया होता। अगर मेरी इतनी दुखी कहानी है, अगर मैं सुनाते रहूँगा तो ख़त्म नहीं होगी दुखी कहानी, इतनी दुखी कहानी। यहाँ आकर तो मैं सब कुछ भूल ही बैठा हूँ कि मेरे सिर कुछ हुआ नहीं। और यहाँ जब शुरू में आए, मेरे सब भाई मिल गए, उनके बीच में मेरा भाई हलचल मिल गया मेरे को, कि ऐसा मिल गया कि जैसे कोई अगले जन्म में हमारा रिश्ता था कोई, ठीक है, ऐसे मिल गया मेरा भाई। कि मेरे को ये बिल्कुल किसी चीज़ का, अगर मैं थोड़ा सा मुंशिल हो जाऊँ, कभी उधर से बुला लेता है, कभी इधर से, ऐसे जैसा भाई मुझे कभी मिला ही नहीं। जितना प्यार ये भी दे रहा है, इतना कोई नहीं दे रहा। अच्छा, और आप दीदियों ने जितना प्यार दिया ना, इतना मेरी सकी बहन कि मेरे को इतने प्यार से नहीं बुलाती जितना प्यार मुझे दीदियों ने दिया इधर। आप इतने अच्छे हो बहन जी, हैं? अच्छे, पता नहीं मेरे साथ तो अच्छा नहीं करते। सुबह आगे पूछा मैं, अच्छी खबर सुना तो कहते मैं मेरे पर बुरी है, दो अच्छी नहीं सुनाई इन्होंने। इसकी कहानी पता है आपको? इसकी नहीं सुनाई, नहीं इसने कोई आपको? थोड़ी थोड़ी सुनाई। सबके दुख सेम है, सबके हालात, ये चोटी ऐसी, चोटी ऐसी। इसे उम्मीद नाल कि तुसी वीडियो जरूर सांझे करोगे, है ना, अगे अगे शेयर करोगे, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पेशेंट घर दे विच पए ने, बंद पए ने, उन्होंने हौसले की लोड़ है। तुसी कुछ कह रहे थे भाई साहब? मैं ये तो वैसे कह रहे थे जी, तो हूँ तो मैं इन्हों की स्टोरी सुन के इमोशनली हो गए। पहला घर बैठे यही लग रहा, मेरा दुख सब तो वड्डा है मेरा। हाँ जी, ऐ लग रहा यही सोच रहे भी यार, मैं कमरे बंद पी हाँ, मेरा कौन है करने, पर इन्हों की गल सुन के जी मेरा कालजा ही फट गया जी। धन है वह बी दीदी जी बैठी है, सब तो बड़ा सलाम, सब तो बड़ा सलूट इन्हों को पहले, जिन्होंने मान लो तुम रिश्ते की गल करती ना कई वीडियो, इतने के लोगों को सिख मिलती, अगर जिन्हें मान लो सिख लेनी हो मैं दूजी गल कर रही थी उरे सेंटर की, जी मैं उस टाइम गल चलती भी याद आई भी सब तो वीड्डी गल ये जी, उरे चाहे कोई पेशेंट के नाल आए वा, चाहे कोई सेवा कर रहा, चाहे दीदी उन्होंने स्टाफ है थोड़ा, भी सब तो मेन गल जी उरे हर कोई बंदा हौसला दिंदा, हर कोई बंदा, जे बंदे ने डुबना भी हो ना तो उन्होंने भी बंदे तार देंदे। मैं दो दिन उपर कटे, मैनू पता, मैं सोचा मैं चल मित्रा घर नू, मैनू थोड़ी गल याद आ गई, तुम कहते मैं लगते नहीं, कहना गुरबचन जी तुम रह पाओगे, मेरे फट गल याद आ गई, मैं कहा वीर जी ने कुछ सोच समझ के कहा, तो पर नहीं, जिहड़ा कोई भी उपर साढ़े को आया हर किसी ने हौसला दिता भी वीरे हुण तां तू टिकाणे पुज गया, समझ लै तू सैट है, दुनिया सैट करती वीरे, दुनिया सैट करती वीरे, बड़ा हौसला बने जी, बहुत ज़्यादा हौसला दिल विच बने, तो महाराज की कृपा अगर वो करूँगे अपने आप जिदा भी चलता। पर देखो जी मैं यही रिश्तों की गल विच फिर मैनू दीदी उन्हों का जिक्र हो रहा बार बार, है ना जी, कितनी बड़ी मिसाइल है। एक मेरे अगे जरूर शेयर करो जेडे मेरे वीर वीडियो देखोगे, हौसला वादा सी देख के, बहुत जरूरी है ना, बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा सेवा तुसी करनी है, तुसी करनी है। एक शेयर ने यार पता नहीं वीरे किन्नी थोड़ी जिंदगी अगे बचा देनिया होर दया, एक थोड़े शेयर करे तो किन्नी जिंदगी बच सकदियाँ, एक भी बच गई तो भी देख लो कि बड़ा पुण्य मिलना है ना जी। प्लीज़ हाथ जोड़ के बेनती है, वीडियो शेयर करते रहो, स्क्रीन पर नंबर चल रहे ने, ज्वाइन सेवा वास्ते भी किसी वीर ने सेवा करनी वो भी कर दौ, तो भाई जी उन्हों का भी नंबर चलता, कोई भी अगे पेशेंट थोड़ा आना है कोई भी जिदा भी हैगा
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਰਥਿਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤਬਾਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦੇ ਜੀਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜੀ, ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਨੀ। ਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪਤਾ, 15 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਤਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਹੈ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।